गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे और आज हम चलेंगे ऑफिस की तरफ। गुड़गांव से नोएडा का ट्रेवल और नोएडा में मेरा पीजी, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा और साथ में कुछ वीडियोस एडिट किए हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एडिट किए हुए हैं। मेन टारगेट है ऑफिस जाना है, ऑफिस में बड़े सारे काम हैं वो निपटाने हैं और उसके बाद में ऑफिस से निकल के नोएडा वाले पीजी पे देखना है कि कैसा चल रहा है अभी के टाइम पे वहाँ पे, और फिर हम लोग चलेंगे। अभी ना मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि व्लॉगिंग जो हम देखते हैं कैमरे पे या यूट्यूब चैनल्स पे वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, लगता है कि यार गजब है, क्या करियो है, कितने अच्छी लाइफ है व्लॉगर की, कितना मजे से ये लोग लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और बढ़िया से जो है इन लोगों का चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन भर जो किया है उसको रिकॉर्ड किया और शाम को डाल दिया। दोस्त इतना आसान नहीं होता क्योंकि मैंने खुद ये शुरू किया है, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज वो बात करते हैं। खुद दिखाता हूँ तुमको, पहले ये वीडियो है, ठीक है, ये वाला देखो, इसको सुबह सुबह जब रिकॉर्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मंडे और चलेंगे गुड़गांव से नोएडा का ट्रेवल और नोएडा में मेरा पीजी। ये देख रहे हो कितने बढ़िया से मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये मेरा तीसरा या चौथा टेक था, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया तो मैंने वापस से इसमें टेक लिया। तो और स्पेशली ये जो ग्रिड देख रहे हो ना, ये एडिटिंग, ये एज अ यूट्यूबर ये इस टाइप का लेआउट हम सबको ध्यान रखना पड़ता है। आगे का दिखाता हूँ मेरा पीजी, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, ये हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मेन टारगेट है ऑफिस जाना है, ऑफिस में नोएडा वाले पीजी पे देखना है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है दिन सोमवार। देखा, ये मेरा चौथा टेक था, तब जाके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कैमरे में बोलने के लिए। दोस्त ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ मजेदार है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बट हाँ धीरे धीरे आ जाएगा, मुझे भी दिख जाऊंगा मैं भी, है ना। हाँ मेहनत तो लगती है। चलो वापस चलते हैं स्टूडियो में। और गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है दिन सोमवार यानी कि मंडे और आज चलेंगे हम गुड़गांव से नोएडा अपने ऑफिस। वो सफर दिखाऊंगा आपको कि गुड़गांव से नोएडा जब जाना पड़ता है मेट्रो से तो कैसा कैसे ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का सफर पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें कैब करनी है, मेट्रो करनी है, 3-3 बार चेंज करना है और फिर जाके कहीं नोएडा पहुंच। शाम को दिखाऊंगा नोएडा जब ऑफिस से निकलते हैं तब किस टाइप का माहौल होता है, क्योंकि काफी ज्यादा रश होता है यहाँ पे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ बातें होंगी इन बिटवीन। मिलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, चलो लेट्स। फाइनली ये तैयार होकर के मैं निकल गया गुड़गांव से। सबसे पहले मुझे जाना होता है हुड्डा मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हुड्डा मेट्रो स्टेशन इज द फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ बैठने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हुड्डा से जाना होता है, नेक्स्ट स्टेशन है हौज खास। हौज खास में क्या होता है कि हुड्डा से हौज खास के बीच में जो हौज खास में इंटरचेंज है, बेसिकली इंटरचेंज में बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, ऑलमोस्ट मान के चलो आधा किलोमीटर 700 मीटर का डिस्टेंस है, बट वो पूरा अंडरग्राउंड है, बहुत अमेजिंग व्यू आते हैं वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में है। और आई वुड टेल यू हौज खास का मेट्रो स्टेशन इंडिया का सबसे ज्यादा गहराई में बना हुआ मेट्रो स्टेशन है, जस्ट अ फैक्ट। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअली बहुत ज्यादा रश होता है, और यहाँ पे लिटरली मेरा प्लान था कि मैं इस भीड़ में आराम से बात करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा सारी चीजें, प्रॉपर ब्लॉग करूंगा, और जैसा कि तुम्हारा भाई थोड़ा सा अभी भी हेजिटेशन कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर पाया ज्यादा, ना ही मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर पाया प्रॉपरली, ना ही मैं कुछ बोल पाया, बट इट्स ओके, धीरे धीरे शायद जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद पूरा दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सीधे मैं शाम की रिकॉर्डिंग को दिखा रहा हूँ आपको जब मैं ऑफिस करके रूम पे। सो मैं आ गया हूँ अपने पीजी पे। पीजी वाले रूम कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा सा रूम है, ये इसलिए ले रखा है क्योंकि नोएडा में जब मैं ऑफिस ख़त्म करता हूँ नॉर्मली लेट हो जाता है कभी कभी, तो फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ, अदरवाइज गुड़गांव अपना फेवरेट ठिकाना है। मेरे कपड़े हैं, ये रूममेट है, ये बेड, यहाँ पे कुछ किचन का, जो कि मैंने फुल ऑन किचन बना रखा है, कब्जा कर रखा है, क्योंकि मुझे बिना खाए पिए रहा नहीं जाता है। और ये हूँ आपके सामने मैं। आज का दिन कैसा था ये डॉक्यूमेंट करना है हमेशा की तरह, तो आज का दिन अच्छा था, काफ़ी सारा काम किया गया। एक सेकंड में पहले बैठ जाता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे। ओके, सो दिन अच्छा था आज का, काफ़ी सारा काम रहा ऑफिस में। गुड़गांव से ट्रैवल करते हुए जब मैं आया तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करूँगा बहुत, अभी 7:30 बज रहा है, अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा, फिर थोड़ी पढ़ाई करूँगा और उसके बाद में कुछ खाना पीना होगा, तो शायद कोशिश करूँगा अगर दिखा पाया, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कह लो, या फिर बहुत ज़्यादा अभी भी
सो मैं एक चीज़ और रहेगा डॉक्यूमेंट करना, तो मैं डेली वजन वेट अपना करता हूँ, करूँगा डेली रिकॉर्ड करने की टारगेट है 15 किलो कम करने का। जी हाँ, मैं बहुत ओवरवेट हूँ फिलहाल, और अपने आप को जब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ओवरवेट हो रखा हूँ, लेकिन कम करना है मुझे ये भी पता है। फिलहाल एक्चुअली में मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है, आज कुछ ज्यादा दिखा रहा है शायद, हेजिटेशन हो रही है, तो वो हेजिटेशन मिटाने के लिए बेसिकली पब्लिक प्लेस पे, अभी देखो मैं अकेले बात कर रहा हूँ, फुल ऑन आराम से आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे बात करना, रिकॉर्ड करना अभी भी बहुत हेजिटेशन का काम है। सल्यूट टू द ब्लॉगर्स, बट डेफिनेटली आई विल कीप ट्राइंग डेली और इम्प्रूव करते हैं इसको। अभी चलते हैं स्टूडियो में और एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं।